हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुजाता गुप्ता है. आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ वेलनेस कोच एंड आई एम ऑन द मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 100,000 लाइव्स ऑन दिस प्लैनेट बाय चेंजिंग योर फूड हैबिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड फॉलोइंग इट. दैट मीन्स यू आर रियली कमिटेड टूवर्ड्स योर हेल्थ एंड प्लीज शेयर दीज वीडियोज विद as many people as you can, the people you are related to, your friends, your family, your relatives, anyone you are related to, so that they also avail this benefit. So today in this video we are going to talk about detoxification. Detoxification kya hai aur hame apni body ko time to time detoxify karna kyun zaruri hai? Why is it the need of an hour? शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. डू यू ऑल क्लीन योर बॉडी? क्या आप अपने शरीर की सफाई करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं. आप सुबह नहाते हैं, उससे पहले फ्रेश होते हैं, जब भी खाना खाते हैं उससे पहले और उस खाना खाने के बाद अपने हैंड्स वॉश करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू लुक नीट एंड टाइडी एंड अबव ऑल वी वॉन्ट टू बी डिजीज फ्री. हम निरोगी रहना चाहते हैं, हम बीमार नहीं रहना चाहते. बट इज इट सफिशियंट? क्या ये काफ़ी है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम सबके पास कोई ना कोई व्हीकल होता है घर में. मे बी इट्स अ फोर व्हीलर और अ टू व्हीलर. हम उसको रोज साफ करते हैं चलाने से पहले, क्योंकि हमें चमचमाते हुए व्हीकल पर बैठना बहुत अच्छा लगता है. लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ टाइम बाद, मे बी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आप अपने व्हीकल को सर्विसिंग के लिए भेजते हैं और उस सर्विसिंग में जो मैकेनिक है वो न सिर्फ आपके व्हीकल की बाहर से सफाई करता है लेकिन उसके इंजन की अंदर से इंटेंस क्लीनिंग करता है. कार्बोरेटर में कचरा फंसा हुआ है उसको साफ कर देता है, इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है उसको चेंज करता है एंड लाइकवाइज वो सारी मशीनरी को चेक करता है और उसको साफ कर देता है. उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा व्हीकल ज़्यादा स्मूथली चलता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम चलता है एंड उसकी लाइफ बढ़ जाती है. ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है. जिस तरह से हम अपने गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं उसी तरह से हमें भी अपनी बॉडी की टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना ज़रूरी है. जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी में पचता है, डाइजेस्ट होता है, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में और जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है वो हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है. यानी हमारी बॉडी का एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है. हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर, हमारा स्टमक, किडनीज, ये वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर हमारा खाना मेटाबोलाइज होता है और हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है. जब हमारे शरीर में गंदगी ज़्यादा जमा हो जाती है, गंदगी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तब इन ऑर्गन्स पे हम एक लोड देते हैं और ये ऑर्गन्स हमारे धीरे धीरे वीक होने लगते हैं. ये जब ठीक से काम नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी से इन टॉक्सिन्स को और इस गंदगी को ठीक से फ्लश आउट नहीं कर पाते. एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं. अगर हम डिटॉक्सिफाई करें अपनी बॉडी को, अगर हम टाइम टू टाइम अपनी बॉडी की इंटेंस क्लीनिंग कर लें, तो यकीन मानिए हम बीमार ही नहीं होंगे. हम अपनी पूरी ज़िंदगी निरोगी रहकर, डिजीज़ फ्री रहकर काट सकते हैं. डिटॉक्सिफिकेशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. डिटॉक्सिफाई हम कैसे कर सकते हैं? उसके तीन तरीके हैं. पहला तरीका, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में शेयर किया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग. हमारे कल्चर में फास्टिंग शुरू से चलती आ रही है एंड हमारे ही नहीं हर रिलीजन में फास्टिंग है.
मुस्लिम्स में रोज़े रखे जाते हैं, हिंदुओं में कई तरह के व्रत हैं, जैनियों में कई तरह के व्रत हैं, तो उसका एक लॉजिक है कि ये व्रत क्यों रखे जाते हैं। जब हम व्रत रखते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, तब हमारी प्राण शक्ति पे खाना पचाने का लोड नहीं होता और वो अपनी पूरी ताकत से हमारी बॉडी की क्लीनिंग करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्लीन रहती है, डिटॉक्सीफाई रहती है, डिजीज फ्री रहती है। 16 घंटे की फास्टिंग कैसे करनी है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया है और लिंक आपको यहाँ नीचे मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा तरीका है वेट पैक यानी गीली पट्टी। इसमें हम 1 मीटर बाय 2.5 मीटर की एक कपड़ा लेते हैं जो एक सिंगल बेडशीट के जितना होता है और उसके हम फोल्ड कर लेते हैं और जिसकी मोटाई 10 इंच की होगी। अब इस पट्टी को हम ठंडे पानी में भिगो लेते हैं और उसको निचोड़ के अपने नेवल के चारों तरफ बांध लेते हैं और उसको अच्छे से टक कर लेते हैं ताकि वो पट्टी नीचे ना गिरे। पानी उतना ही ठंडा होना चाहिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सके। एक दूसरी पट्टी लेंगे और उसको अपने फोरहेड रीजन में बांधेंगे। इसी तरह से एक तीसरी पट्टी लेंगे जो आपके नेक रीजन में बंधेगी। अब जहाँ जहाँ पट्टी बंधी हुई है वहाँ वहाँ का टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाएगा, वहाँ से बॉडी ठंडी हो जाएगी, बाकी का पोर्शन कंपैरेटिवली गर्म रहेगा क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर गर्म ही होता है। जब हमारी बॉडी में ये दो टेम्परेचर्स साइमल्टेनियसली हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड इज़ द मेन ट्रांसपोर्टर ऑफ आवर बॉडी, वो न सिर्फ हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है बल्कि वेस्ट को भी रिमूव करने में मदद करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो वो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में से वेस्ट को इकट्ठा करता है और उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू, किडनीज वगैरह के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है, बाहर कर देता है। तो ये दूसरा तरीका था डिटॉक्सिफिकेशन का। तीसरा तरीका डिटॉक्सिफिकेशन का है एनीमा। नाम सुन के घबरा मत जाइए, आपकी गलती नहीं है। शुरू में मेरे को भी डर लगा था, लेकिन यहाँ पर जो हम एनीमा इस्तेमाल करते हैं वो कोई शरीर को नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है, वो हमारा अहिंसक एनीमा है यानी नॉन वायलेंट एनीमा, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ्रेंडली है और उसकी हमारी बॉडी को हैबिट नहीं पड़ती, हम उसके लिए हैबिचुअल नहीं होते, लेकिन वो हमारी बॉडी की क्लीनिंग कर देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा तो सुबह पेट साफ हो जाता है, फिर हमें एनीमा लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। आप सबके घरों में पानी के निष्कासन के लिए पाइपलाइंस डली हुई होंगी। जब वो शुरू में पाइपलाइंस डलती हैं तो वो बिल्कुल क्लीन होती हैं, लेकिन अगर उनकी सफाई ना की जाए तो कुछ समय बाद उस पे परत जमनी शुरू हो जाती है एंड विद टाइम वो इतनी मोटी हो जाती है कि एक टाइम के बाद उसमें से पानी भी रुक रुक के निकलता है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो आर्टरीज हैं उनमें गंदगी जमा होती रहती है, अगर उसकी प्रॉपर टाइम पे क्लीनिंग ना हो तो उसकी परत बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड बहुत मुश्किल से बहता है और वेस्ट भी हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है। और जैसा कि हमने कहा था कि अगर हमारी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, वो प्रॉपर्ली नहीं निकलता है, हमारी बॉडी की क्लीनिंग नहीं होती है, तो हमें कई तरह की डिजीज़ हो जाती हैं। आपने जैसा कि देखा होगा कि आप में से कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम वेट रिडक्शन के लिए डाइटिंग भी करते हैं, हम एक्सरसाइजेस भी करते हैं, लेकिन फिर भी वेट हमारा जल्दी से रिड्यूस नहीं होता, हमें बहुत
दिक्कत आती है वेट रिडक्शन में। अगर हम एक्सरसाइजेस छोड़ देते हैं तो एकदम से वेट पुट ऑन हो जाता है। उसका कारण है हमारे शरीर में गंदगी का जमा होना। अगर हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहेंगे तो हम वेट रिडक्शन भी बहुत आराम से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग आप में से ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम रात को पूरी नींद लेते हैं लेकिन उसके बावजूद हम सुबह थकान महसूस करते हैं, हम फ्रेश नहीं होते। उसका अगेन रीज़न है टॉक्सिन्स का जमा होना। अब आप समझे एनीमा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि ये सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बहुत आराम से निकल जाएं। अब समझते हैं कि इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास एक एनीमा किट है। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। उस किट में आपको 100 टू 120 ml पानी भरना है, 100 से 120 ml पानी भरना है। उसमें मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंगली आप पानी भरेंगे और उसको आप अपनी बॉडी से थोड़ा सा हायर शेल्फ पे रख दीजिए। उसके साथ एक पाइप अटैच है, उस पाइप का एक सिरा है जिस पे आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, जिसकी वजह से आपके बॉडी में वो जो पार्ट इंसर्ट होगा वो आराम से इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको ज़मीन पर मैट बिछा लीजिए, उस पर आपको उल्टा लेटना है और आपको उस एंड को जहाँ पर आपने कोकोनट ऑयल लगाया है उस एंड को 2 इंच तक अपने रेक्टम में इंसर्ट करना है। अब वो पानी धीरे धीरे आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइन्स में जाना शुरू हो जाएगा। जब वो पानी पूरा ख़त्म हो जाए, आपके इंटेस्टाइन्स में पूरा पानी आ जाए, उस समय आप किट को हटा दीजिए और सीधे खड़े होकर थोड़ा सा 10-15 मिनट वॉक कर लीजिए। जब आप वॉक कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा आप अपने स्टमक की मसाज भी कर लीजिए और उसके बाद जब आप दोबारा पॉट पर बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपके इंटेस्टाइन्स बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। इसके लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एनीमा लें उससे पहले आप एक बार पॉट पर ज़रूर बैठ जाएं। अगर आपको नेचुरली आपको आराम से आप रिलीव हो पाते हैं तो नथिंग लाइक इट, और अगर आपको लगता है कि उस दिन आप रिलीव नहीं हो पा रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती मत कीजिए। जब आप एनीमा ले लेंगे तो आप आराम से रिलीव हो जाएंगे। और इस एनीमा का बेस्ट पार्ट यह है, मैं फिर से कह रही हूँ, इसकी आदत नहीं पड़ती। जिस दिन से आप एनीमा लेना शुरू करते हैं आप लगातार 21 दिन तक उस एनीमा को ले सकते हैं और उसके बाद आप वीकली और फोर्टनाइटली भी ले सकते हैं। तो एनीमा आपको नुकसान नहीं करेगा, आपके इंटेस्टाइन्स को नुकसान नहीं करेगा और आपके शरीर की गंदगी बहुत आसानी से निकाल देगा। तो है ना बहुत अच्छा तरीका अपनी बॉडी को क्लीन करने का। अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो यकीन मानिए एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में मैक्सिमम बीमारियां या तो लीवर से या फिर स्टमक के ख़राब होने से आती हैं, और उसका कारण है लीवर, स्टमक या इंटेस्टाइन्स में गंदगी का जमा होना। अगर हमारे लीवर और स्टमक साफ़ हैं तो वो हेल्दी हैं और वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और हमें कई बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके लिए एनीमा इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। तो ये तरीके थे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के और हेल्दी रहने के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एज मैनी पीपल एज यू कैन सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू।